तो इंडिया में 2022 में इलेक्ट्रिक कार्स की सेलिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2022 के फर्स्ट हाफ में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार बिकी है वो है नेक्सॉन ईवी। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि नेक्सॉन ईवी इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। तो इस साल 2022 में टाटा नेक्सॉन ईवी की अभी तक 13,280 यूनिट सेल हुई हैं, जबकि पिछले साल के फर्स्ट हाफ तक इसकी सिर्फ 3,204 यूनिट सेल हुई थी। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इसकी सेलिंग लगभग 300% से भी ज़्यादा बढ़ी है। दूसरे नंबर पर है टाटा टिगोर ईवी। पिछले साल के फर्स्ट हाफ तक इसकी सिर्फ 222 यूनिट सेल हुई थी और इस साल के फर्स्ट हाफ में इसकी 5,532 यूनिट सेल हुई हैं। तो सेलिंग के मामले में यहाँ पर इसने लगभग 2400% ग्रोथ की है। और थर्ड नंबर पर है MG ZS EV। हाँ, इस कार की भी सेलिंग बढ़ी है। पिछले साल इसकी लगभग 1,136 यूनिट सेल हुई थी फर्स्ट हाफ में और इस साल के फर्स्ट हाफ में इसकी 1,198 यूनिट सेल हुई हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ 5.4% की ग्रोथ देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि MG ZS EV की कार थोड़ी ज़्यादा महंगी है, वहीं टाटा नेक्सॉन ईवी लोगों को ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार लग रही है। तो ये जो तीन इलेक्ट्रिक कार हैं ये इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल हो रही हैं। इसके अलावा जैगुआर की, BMW की और ह्यूंडई कोना जैसी इलेक्ट्रिक कार्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इन कार्स की सेलिंग के मुकाबले हाई सेलिंग के मामले में फिलहाल उन कार्स की बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे अच्छी बात यह है, टाटा कंपनी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में पूरे इंडिया में लीड कर रही है और जिस हिसाब से ये अपने फ्यूचर प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि आगे आने वाले टाइम पर ये टेस्ला को भी बीट कर देंगे।